हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मंथ्स। आज हम इस चैनल वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बारे में। और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम पढ़ेंगे एडियाबेटिक इंटरेक्शन के बारे में। सो इंटरेक्शन तीन टाइप के होते हैं, जिनमें हमने फर्स्ट इंटरेक्शन थर्मल इंटरेक्शन पढ़ा है, दूसरा हम पढ़ेंगे एडियाबेटिक इंटरेक्शन या मैकेनिकल इंटरेक्शन, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दी इन आवर नेक्स्ट वीडियोस, दैट इज दी जनरल इंटरेक्शन। तो ये सारे इंटरेक्शंस जो होते हैं वो इंटरेक्शन एक ही लैंग्वेज पे चलते हैं। अगर आपको इनको डिराइव करना है, इनका कंसेप्ट जो होता है वो एक ही होता है, बट इनमें जो मार्कर्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें, एक में प्रेशर टेम्परेचर यूज करते हैं, एक में प्रेशर यूज करते हैं, तो वो टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी, वो सारे मार्कर्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, और लैंग्वेज सारी की एक ही होती है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया है थर्मल इंटरेक्शन के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं एडियाबेटिक इंटरेक्शन, यानी कि रुद्धोष्म अन्योन्य और मैकेनिकल इंटरेक्शन भी कहते हैं इसको, यांत्रिकी अन्योन्य भी कहते हैं। तो इसमें हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ए एंड रिजर्वर ए डैश। हम यहाँ पे देखते हैं, हम इसके लिए बात करते हैं, यहाँ पे जो एंजेम्बल होगा दैट इज द कैनोनिकल एंजेम्बल, और कैनोनिकल एंजेम्बल सॉरी इसमें हम है वो ग्रैंड कैनोनिकल की बात करें, बिकॉज यहाँ पे कंडक्टिंग होगा, इंसुलेटिंग होगा, रिजिड होगा, मूवेबल होगा, इम्परमिएबल होगा। ओके, सो बात करते हैं यहाँ पे एक एंजेम्बल, यानी कि सिस्टम का एक कलेक्शन होता है एंजेम्बल, और उसमें अगर हम देखें कि इसमें ओनली इसमें हीट की कहीं बात नहीं हो रही है, यांत्रिक रुद्धोष्म में कहीं, यानी कि एडियाबेटिक इंटरेक्शन में हीट की हम बात नहीं करते, हम इसमें देखते हैं प्रेशर, बिकॉज ये जो वॉल है इसके बीच की, ए एंड ए डैश सिस्टम के बीच की, वो वॉल जो है वो रिजिड है और मूवेबल है, तो उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ए एंड ए डैश इज अ रिजर्वर, ये सिस्टम है और ये रिजर्वर है, ए एंड ए डैश आर इन मैकेनिकल कॉन्टेक्ट, ये दोनों जो है वो मैकेनिकल कॉन्टेक्ट में है ईच अदर। द वॉल बिटवीन ए एंड ए डैश इज इंसुलेटिंग, रिजिड, मूवेबल एंड इम्परमिएबल। जो वॉल है उसकी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी इंसुलेटिंग है, रिजिड है, मूवेबल एंड परमिएबल। मूवेबल है तो इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, अगर हम बात करेंगे आगे, अगर हम देखेंगे कि ये इस टाइप से आगे मूव करती है। ओके, फिर हमने कहा कि द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द सिस्टम ए एंड ए डैश आर वी वी डैश, इसका वॉल्यूम की बात करूं तो वी वी डैश हो जाएगा, इसके प्रेशर की बात करूं तो ये पी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा पी डैश रेस्पेक्टिवली। द होल सिस्टम ए स्टार इज आइसोलेटेड, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं कंपोजिट सिस्टम, दैट इज आइसोलेटेड टू द ए एंड ए डैश सिस्टम्स। Then the total volume of composite system is V dash. So V dash का जो total volume होगा that is V sorry V star A star का जो total volume होगा that is V star. Okay. Due to the motion of wall, the volume of A and A dash will change. जब हम बात करेंगे कि ये wall जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है A dash से A की तरफ, because pressure जो है इस तरफ से लग रहा है, तो ये wall अपनी जगह से हटेगी तो volume में change होगा। Due to the motion of wall, वॉल्यूम ऑफ ए एंड ए डैश विल चेंज एज द रिजल्ट इज माइक्रो स्टेट ऑफ ए एंड ए डैश विल चेंज। अब वॉल्यूम चेंज होता है तो वॉल्यूम चेंज होने पे एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आ गया, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ गया, प्रॉपर्टी चेंज आने से पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा, और कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने से माइक्रो स्टेट विल चेंज। ओके, सो ये पूरा सिस्टम होता है इसका। लेट ओमेगा वी बी द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ सिस्टम ए, तो हमने ऐसा कंसिडर किया कि इसके जो माइक्रो स्टेट है दैट इज ओमेगा वी, और इसके लिए अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा ओमेगा डैश वी डैश, ये इसकी माइक्रो स्टेट है, ये हमने इनमें लिख रखा है। फिर बात करते हैं, लेट ओमेगा डैश वी डैश बी द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ऑफ सिस्टम ए डैश व्हेन इट्स वॉल्यूम लाइज बिटवीन वी डैश टू वी डैश प्लस डी वी डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वी प्लस वी टू वी प्लस डी वी डैश, है ना, ये V से V प्लस DV में चल रहा है। ओके, ये इसकी लिमिट की अगर हम बात करें कि थोड़ा उसमें क्या होगा चेंज होगा, तो उस कंडीशन पे अगर हम बात करें तो माइक्रो स्टेट्स ये होगी, सो दैट A ना ओमेगा स्टार V माइक्रो स्टेट ऑफ A स्टार, जो होल सिस्टम है कंपोजिट सिस्टम उसकी माइक्रो स्टेट जो है वो ओमेगा स्टार V है व्हेन A हैज वॉल्यूम V टू V प्लस DV एंड ए डैश हैज वॉल्यूम वी डैश टू वी डैश प्लस डी वी डैश। तो ये बिकॉज ए स्टार जो है वो ए एंड ए डैश दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए दोनों की लिमिट जो होगी वो इस पे लगेगी। एक्चुअली अब हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमको इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन, एडियाबेटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फाइंड करना है। सो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को कैसे फाइंड करेंगे,
इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड करने के लिए पहले हमको माइक्रो स्टेट फाइंड करना होगा, और माइक्रो स्टेट फाइंड करने से पहले हम एक बार की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करेंगे। सो अगर मैं बात करूं कि जो हमारा कंपोजिट सिस्टम है इसकी माइक्रो स्टेट ये है, ओमेगा स्टार वी इज इक्वल टू, ये किस पे डिपेंड करेगा, द माइक्रो स्टेट ऑफ नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ आवर ए सिस्टम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फॉर ए डैश सिस्टम। अब बात करते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टार। अब ए स्टार की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं व्हेन ए हैज वॉल्यूम वी टू वी प्लस डीवी एंड ए डैश हैज वॉल्यूम वी डैश टू वी डैश प्लस डीवी डैश, ये इसकी कंडीशन है। ओके, तो इस टाइम में इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, तो बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल केसेस। ओके, अब फेवरेबल केसेस मतलब जो ए स्टार के लिए माइक्रो स्टेट है दैट इज माइक्रो स्टार, और फिर क्या हो जाएगा, ओमेगा टोटल हो जाएगा। ओके, ये होता है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो टोटल केस फेवरेबल केसेस कैसे, जो माइक्रो स्टेट ए स्टार की है वो तो ओमेगा स्टार वी है, और उसके अलावा ये क्या हो जाएगा, टोटल ओमेगा। ओके, ये हो जाएगा ओमेगा टोटल। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी की, तो हमको यहाँ पे ओमेगा टोटल की वैल्यू फाइंड करना है। तो ओमेगा टोटल का क्या मीनिंग होगा, ओमेगा टोटल का मीनिंग होगा कि पूरे सिस्टम में, उस पूरे सिस्टम ए स्टार में जो हम ओमेगा स्टार वी जो माइक्रो स्टेट ले रहे हैं उसकी, उसका जो समिशन होगा, उसका जो एडिशन होगा वो ये होगा, और ये कहां से होगा, जीरो से V स्टार तक होगा, बिकॉज वॉल्यूम कहां तक चलेगा, देखो वॉल्यूम जो है वो पूरे A स्टार सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो V स्टार है, तो वो कहां से चलेगा, इसका वॉल्यूम जीरो से लेके V स्टार लिमिट तक चलेगा, और ये पूरा जो है वो इसका एक समिशन होगा, और ये जो पूरी वैल्यू होगी दैट इज कॉन्स्टेंट। ओके, ये वैल्यू जो होगी वो आपको एक कॉन्स्टेंट मिलेगा, इसको हम 1/c कंसिडर कर रहे हैं। जो 1/c कंसिडर करेंगे तो हमको प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगा, द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ओमेगा स्टार वी इंटू मिल जाएगा आपको सी। ओके, ओमेगा स्टार वी इंटू वी हो जाएगा सी। तो इट मीन्स जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कि प्रोबेबिलिटी माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये इसकी सॉरी हाँ ये पूरे ए स्टार सिस्टम की हो गई, और अब अगर हम ओमेगा स्टार वी की वैल्यू पुट करते हैं ओमेगा वी इंटू वी ओमेगा डैश वी डैश, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में पी वी इज इक्वल टू, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी एट प्रोबेबिलिटी फॉर ए स्टार एट ए हैज द वी टू वी वी प्लस डी वी एंड ए डैश हैज वी डैश टू वी डैश प्लस डी वी डैश। तो यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा सी इंटू ओमेगा इंटू वी फॉर ए डैश, और ये हो जाएगा ए डैश V dash for A dash। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है, या फिर इनको जब सॉल्व करेंगे तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में लॉग ऑफ पी वी यानी कि प्रोबेबिलिटी, एंड ये हो जाएगा लॉग ऑफ C प्लस लॉग ऑफ माइक्रो स्टेट V प्लस ये हो जाएगा लॉग ऑफ ओमेगा डैश वी डैश, ये जो होती है वो लॉग की प्रॉपर्टी होती है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि मल्टीप्लाई में होता है उनको वो एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, दिस इज द लॉग्स प्रॉपर्टी। तो हमने क्या किया, लॉग की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम पे। ओके, हमको सारी कंडीशंस में बात करनी है इक्विलिब्रियम पे। अब इक्विलिब्रियम पे अगर हम बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, Always the differentiate of probability, the differentiate of probability that is equal to zero. It means आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log of differentiate of probability that should be zero. ये जो होता है zero के equal होता है for equilibrium condition में probability होता है। अब हम इनकी value put करेंगे यहाँ पे, जब value put करेंगे तो उसका differentiate करेंगे। Okay, ये वाली value, ये इसकी जो value है वो ये है, और ये जो value put करेंगे तो differentiate करेंगे, तो C is constant, तो zero हो जाएगा। तो यहाँ पे हम log of omega V का differentiation कर रहे हैं। अब omega V का differentiation कर रहे हैं V के respect में, तो यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं होगा V के respect में करने का,
लॉग का नहीं करना है यहाँ पे डिफरेंशिएट, बिकॉज ऑफ दैट लॉग तो खुद इस फंक्शन में है ना, लॉग पीवी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, इसलिए लॉग का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। सिमिलरली आगे बात करते हैं कि हम रख रहे हैं लॉग ऑफ ओमेगा डैश वी डैश। ओके, तो जब ओमेगा डैश वी डैश की बात कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में होगा, वी डैश के रेस्पेक्ट में होगा, लेकिन हमको करना किसके रेस्पेक्ट में, वी के रेस्पेक्ट में करना है। जब v डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पे v डैश आएगा और आगे क्या आ जाएगा, dv डैश अपॉन dv इज इक्वल टू जीरो। इसको आप अच्छे से समझे, देखो अगर हम बात करें v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे v है तो आगे हो जाएगा dv अपॉन dv, मतलब ये हो गया वन, तो इसको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। फिर अगर हम बात करें इसमें, यहाँ पे v डैश है तो जब हम v डैश लिखेंगे तो v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे v डैश आएगा और वो जो v डैश होगा और उसको हम यहाँ पे जब लिखेंगे, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट जब कर रहे हैं तो यहाँ पे v डैश को वेरिएबल लेट कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये वापस एक बार जब करेंगे तो इसका यही होगा। अगर हम बात कर रहे हैं एक्स वाई का, अगर मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो x dy by dx करेंगे। ओके, क्या लिखेंगे, dy by dx, इस y को कांस्टेंट नहीं लेट करेंगे, दिस इज वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, dy by dx हमको जो है वो साथ में और लिखना पड़ेगा। तो ये पूरा इसका कंसेप्ट है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखें और इसको करते वक्त थोड़ा अगर आप इसको समझ के करेंगे तो बिल्कुल ईजी है। फिर हम बात करते हैं कि dv जो है, ओके अगर हम बात करें फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन में कि dv या फिर टोटल जो इस वॉल्यूम है, अगर हम बात करें द टोटल वॉल्यूम इज a स्टार इज इक्वल टू v प्लस v डैश। अब वॉल्यूम जो है वो ये वाला वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, देखो अंदर जो है वो v और v डैश चेंज हो रहे हैं, v और v डैश चेंज होने पे पूरा सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, बिकॉज उसी सिस्टम के अंदर ही अंदर जो है वो वॉल मूव कर रही है। तो ये तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और ये बन जाएगा dv प्लस dv डैश, तो इससे हम क्या प्रूव करेंगे, dv इज इक्वल टू माइनस dv डैश। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि dv अपॉन, ओके इट मींस क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, ये हो जाएगा हमारे पास में dv डैश अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ पे dv डैश अपॉन dv की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस वन पुट कर देंगे व्हेन द वॉल्यूम a स्टार इज इक्वल टू v प्लस dv। तो यहाँ पे ये हो जाएगा d अपॉन dv और ये हो जाएगा log बेस e ओमेगा v, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस बिकॉज इसकी जगह हम माइनस वन पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा d अपॉन dv डैश, देन ये हो जाएगा log ऑफ log बेस e ओमेगा डैश v डैश इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब क्या करना है कि हम यहां से इसको लेट करते हैं, एक्चुअली लेट नहीं करते, ये एक स्टेटिस्टिकल फिजिक्स में ये जो होता है वो p बीटा के इक्वल होता है। ओके, बीटा इज द, बीटा की अगर मैं बात करूं तो ये बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। ओके, बीटा इज इक्वल टू के टी होता है और ये k जो होता है दैट इज बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट, ये एक्चुअली बीटा का मतलब ये होता है, प्रेशर इसके साथ में मल्टीप्लाई होता है तो इसका मीनिंग ये होता है। दूसरा इसका मतलब होता है पी डैश बीटा डैश। ओके, अब बीटा डैश की मैं बात करता हूं तो बीटा डैश इज इक्वल टू वन अपॉन के टी डैश, तो ओके ये फॉर हो जाएगा सिस्टम ए एंड दिस इज फॉर रिजर्वर ए। तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू टी डैश होता है फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम, ये हमने प्रूफ किया था फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जब टी डैश एंड टी इक्वल है तो बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश भी होगा फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जब हम इसको यहां पे लिखेंगे तो पी बीटा माइनस पी डैश बीटा डैश इज इक्वल टू जीरो। अब हमने कहा कि बीटा और बीटा डैश इक्वल है तो ये हो जाएगा पी माइनस पी डैश इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों इक्वल है ना, और ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल है तो इनको कॉमन लेके जीरो कर देंगे और ये आ जाएगा आपके पास में पी इज इक्वल टू पी डैश। तो एडियाबेटिक इंटरेक्शन या मैकेनिकल इंटरेक्शन में जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर उस वॉल पे लग रहा है, एक प्रेशर इसका V का है और एक प्रेशर सिस्टम A का है, एक प्रेशर सिस्टम रिजर्वर A डैश का है, तो एक्चुअल में जो इसका यहाँ पे जो
प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम में इक्वल हो जाएगा। जब दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो वॉल रुक जाएगी, वॉल रुकने पे दोनों का वॉल्यूम भी रुक जाएगा। बस आपको थोड़ा थर्मल इंटरेक्शन, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पता होनी चाहिए कि इसको बीटा कहते हैं, ये बीटा डैश होता है, दिस इज फॉर ए एंड दिस इज फॉर ए डैश। और थर्मल इक्विलिब्रियम में वी नो दैट टी इज इक्वल टू टी डैश। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इंटरेक्शन तब तक चलता है, हीट का फ्लो तब तक होता है जब तक कि दोनों के टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। दोनों का टेम्परेचर इक्वल होता है तो उनमें बीटा इज इक्वल टू बीटा होगा, तो यहां से हम बीटा को कॉमन लेके जीरो कर देंगे। और फॉर एडियाबेटिक इंटरेक्शन द प्रेशर विल बी इक्वल टू ईच अदर, जो प्रेशर है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और उनको हम इस टाइप से सॉल्व कर देंगे। सो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एंथैल्पी के बारे में, जो कि एडियाबेटिक इंटरेक्शन की एनर्जी होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।